मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी शहर में इन दिनों भालुओं का आतंक छाया हुआ है। शाम होते ही ये भालू कॉलोनियों में घुसने लगते हैं, जिससे शहर के लोग दहशत में जी रहे हैं। साथ ही यहाँ भालुओं के कॉलोनियों में घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के गोदरी पारा व हल्दीबाड़ी के रहवासी जंगली भालुओं के आने से दहशत में हैं, जिसके कारण लोग दिन में भी अपने घरों में दुबके रहते हैं। यहां आए दिन भालुओं को घूमते देखा जा सकता है। भालुओं के विचरण के मामले में स्थायी निवासी शाहिद महमूद की माने तो जंगली भालू रात हो या दिन अचानक गोदरी पारा के कॉलोनियों में पहुँच जाते हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में वन विभाग पर आरोप लगाया है कि सूचना के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को रात में भालुओं को दौड़ाकर भगाना पड़ता है। बड़ी विडंबना है कि नगर निगम क्षेत्र में भालुओं का विचरण रोज रात में तो होता ही था, अब दिन में भी होने लगा। इस संबंध में हम लोग खम्भे में लाइट के लिए भी कई बार प्रशासन को बता चुके, फोन कर चुके, साथ ही हमारे जो रेंजर ऑफिसर हैं उनको भी फोन करके सूचित किया कि आपके जो वन अमला है कम से कम गश्त किया करे रात में, और बिल्कुल ये लापरवाह है और ऐसा प्रतीत होता कि किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार कर रहे हैं और मोहल्ले के युवाओं को रात में मिलकर भालुओं को भगाना पड़ता है ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं भालू से? जी बिल्कुल, सिरमिर में गेला पानी के पास एक व्यक्ति ने मृत कर दिया था और कई लोगों पर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी जो मोहल्ले में जो आ रहा है वो भी एक आदमी को काट चुका है। चिरमिरी में जैसा कई बार खबर मिलते रहता है कि भालू के द्वारा विचरण घूमना और आसपास रहवासी क्षेत्र में आ जाना, जैसे हमको खबर मिलता है वैसे हमारे फॉरेस्ट का टीम, हमारे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, अब हम सब सभी जा करके वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करते हैं, लोगों को दूरी बनाते हैं। दूरी रहने के लिए बोला जाता है कि आप भालू से दूरी बना के रहें, और लोगों को समझाई दिया जाता है कि सुबह शाम जब भी कभी अगर ऐसा मिलता है, भालू देखने को मिलता है, तत्काल हमें सूचित करें और हम वन अमला जा करके सीधा जो है भालू को भगाने का प्रयास करते हैं और पब्लिक को जो है दूरी बना के रखने के हमारे द्वारा निर्देश दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। कितने भालू रहते हैं? भालू यदा कदा कभी एक, कभी दो, कभी तीन, जैसे आज का खबर जैसे पता चला लोगों के द्वारा फोन किया गया तो तीन भालू जो है रोड में खड़े हैं। जैसे मुझे पता चला तत्काल वहाँ पर टीम बना करके भेजा गया तो पता चला कि सुबेरे भालू देखा गया था, मौके में कोई भालू नहीं था। चिरमिरी रेंजर की माने तो इस समय लगातार चिरमिरी शहर में जंगली भालुओं के आने की सूचना मिल रही है। जैसे ही शहर में जंगली भालू आने की सूचना मिलती है, स्वयं वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जाकर सुरक्षा के इंतजाम करते हैं और कॉलोनियों में लोगों को भालू से दूर होने की समझाइश भी दी जाती है। इंडियन न्यूज के लिए मनेन्द्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।